हनुमान जी हमेशा भगवान को अपने पूज्य के रूप में देखते हैं, वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट, उनके लिए वो कोई भी सेवा करने के लिए तैयार हैं, वो दास हैं। 24 घंटे वो केवल यही सोचते हैं मैं किस प्रकार से अपने स्वामी को प्रसन्न करूं। उसके लिए वो अलग अलग प्रकार से अलग 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 चीज़ें करते हैं। जैसे हमने एक स्टोरी सुनी है हनुमान जी की, एक बार हनुमान जी ने जब सीता माँ को देखा, सीता माँ सिंदूर लगा रही थी, तो जब वो अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी सीता माँ, तो हनुमान जी ने सीता माँ से पूछा कि आप ये सिंदूर किसके लिए लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हनुमान जी थे ब्रह्मचारी, हनुमान जी को तो कुछ पता ही नहीं कि भाई ये सिंदूर वगैरह क्यों लगाया जाता है। तो सीता माँ ने कहा कि ये सिंदूर मैं अपने पतिदेव श्री राम की प्रसन्नता के लिए, श्री राम की दीर्घायु के लिए लगा रही हूँ। तो हनुमान जी को लगा कि मैं तो पूरी बॉडी पे सिंदूर लगा लेता हूँ, उससे भगवान राम की आयु बहुत बढ़ जाएगी, लेट मी डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो हनुमान जी ने अपनी बॉडी पे इसलिए सिंदूर लगाया क्योंकि हनुमान जी इससे भगवान राम की दीर्घ आयु की कामना करें। जिस प्रकार से सीता माँ अपनी मांग में सिंदूर भरकर भगवान राम की दीर्घायु की कामना करें।